ये 2 से 3 घंटे हो चुके हैं लगातार बातचीत जो है अंदर किसानों की वो चल रही है। किसानों की जो 11 सदस्य कमेटी है वो अंदर गई है और जो है लगातार यहाँ बातचीत चल रही है और अभी अंदाज़ा ये लगा सकता है कि बातचीत कहीं ना कहीं समाप्त हुई और कुछ ही देर बाद आपके बीच में जो है किसान नेता पहुंचने वाले हैं और जानकारी देंगे कि सरकार से बातचीत हुई है, क्या हुई है, किस प्रकार से जो है सरकार ने कोई अपनी बातें रखी या हमने किसानों ने अपनी बातें रखी और किस तरीके से जो है बात को यहाँ सुलझाया गया है। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा कंटिन्यू, हमको हम आपको पल पल की हर एक न्यूज़ जो है देते रहेंगे। देखिए किसानों की जो वॉलंटियर्स की जो टीमें हैं वो यहाँ एक डिस्टेंस बना करके रखेंगे कि किसान एक तरफ है और जवान एक तरफ है, किसी तरह का जो है अनुशासनहीनता वो ना फैलें। उस तरफ देख सकते हैं कि टेंट लगा हुआ है, रागनी चल रही है और उसके अलावा जो नेता है किसान नेता है वो सभी को जो है संबोधित कर रहे हैं। इस तरफ यदि लेफ्ट में जाएंगे तो बिल्कुल सामने सेक्रेटरीट का गेट है और पूरा प्रशासन जो है वो तैनात है और कुछ ही देर में जो है किसी नेता बीच में पहुंचने वाले हैं। तो पल पल की हर पल की जो है हर एक न्यूज़ हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। देखिए फैसला चाहे कुछ भी हो लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी जो है एक लीड यहां तैयार कर ली है। प्रशासन द्वारा एक चक्कर सुरक्षा का वो यहां तैयार किया जा रहा है। आईजी करनाल जो है यहां पहुंची हैं और उस तरफ देख सकते हैं कि लगातार ये सुरक्षा का चक्र जो यहां तैयार कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ ही देर बाद जो है किसान नेता अपने किसानों के बीच में पहुंचने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी जो है रिजल्ट रहने वाला है वो किसानों के पक्ष में आता है या किसानों के विपक्ष में आता है, लेकिन सुरक्षा का एक चक्कर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ तैयार कर लिया गया है। बने रहिएगा हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। तो किसान नेता है वो इस समय धीरे धीरे बाहर निकलते हुए जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है और उन्हें रास्ता दिया गया है। एक एक दो दो करके जो किसान नेता है वो बाहर निकलते हुए सिक्योरिटी का एक चक्कर जो है वो बनाया गया है। लाइव तस्वीरें और इस समय इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लगभग 11 जो किसान नेता थे, एक समूह था वो अंदर गया था बातचीत करने के लिए प्रशासन से, वो बातचीत कहीं ना कहीं जो है समाप्त हो चुकी है और किसान नेता धीरे धीरे जो है बाहर निकल रहे हैं। परिणाम क्या होंगे वो कहीं ना कहीं देखना होगा, परिणाम क्या रहते हैं। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया और असंध हलचल हरियाणा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। 11 सदस्यों की जो कमेटी किसान नेताओं की जो DC SP से मीटिंग हुई थी वो अभी जो है समाप्त हो चुकी है और धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि परिणाम क्या रहते हैं, क्या डिस्कशन रही है, किस प्रकार से जो है बातें रही हैं वो अभी जो है जानना होगा। लाइव तस्वीरें जुड़ रहे हैं हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ, असर असंध हलचल हरियाणा के साथ। तमाम जो जानकारी है मूवमेंट है किस तरह की क्या बातें रहने वाली है, तमाम जो जानकारी है सभी लोगों तक ये पहुंचे और कुछ ही क्षणों के अंदर। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट करनाल से, यहाँ पर अभी मीटिंग जो है हो चुकी है। कभी किसान नेता बाहर आपको दिखाना चाहूँगा कि 11 जो सदस्य है वो धीरे धीरे बाहर आ साफ है, ये साफ है। आपने काम करना करो, किसी का भी कोई बीमारी हो हरी आपको मेरा नंबर नहीं है ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं करनाल के सेक्रेटरीट से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है। मीटिंग जो है अभी फिनिश हो चुकी है और किसान नेता एक एक करके बाहर आना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे नेता जो है वो बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने अपना सुरक्षा का जो चक्र है वो यहाँ
तैनात कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज इंडिया। आपस में सलाम मशवरा कर रहे हैं, एक रणनीति रहेगी, तमाम बातों पर चर्चा की जा रही है और इसीलिए अंदर जो है मीटिंग बाहर है, अंदर से बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो किसान नेता है वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक सुरक्षा का जो चक्कर है पुलिस प्रशासन द्वारा वो जो है यहाँ कंप्लीट कर दिया गया है। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा और जुड़े रहिए। मानी गई है फिलहाल तब जाके 2 बजे मीटिंग शुरू की, लेकिन 5 बजे तक सिर्फ अंदर बैठाए रखा। सिर्फ आगे क्या कार्रवाई किसान करेंगे? आगे तो अभी फैसला करेंगे सारे, और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। जब तक उस एसडीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इसको और ज्यादा मजबूत। सर बाकी किसान आपको कहाँ पे, वो अभी मीटिंग चल रही है, अभी अंदर खत्म नहीं, मीटिंग खत्म होगी, आ रहे हैं सारे साथी। बिल्कुल बिल्कुल, इस धरने को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और यहाँ पे देश भर से लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। ये आंदोलन सिर्फ करनाल का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन को चला रहा है। अभी सारे एसकेएम की मीटिंग के अंदर फैसले करके सारे फैसले होंगे, वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई मांग है वो नहीं मानी गई है। तो बातचीत करना चाहेंगे अंदर से, आप आए हैं, क्या रहा आज की मीटिंग? तो बेनतीजा रही। तो कल भी बेनतीजा रही थी? हाँ बिल्कुल, और जो हमारी डिमांड थी उसको मानने को सरकार तैयार नहीं है। हमने कहा एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, लेकिन सरकार ने इसको मानने से, प्रशासन ने मानने से मना कर दिया। सैनिक के परिवार की बात करें, नौकरी की 25 लाख रुपए देने की, अभी तो हमारी जो पहली बात इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा अधिकारी कैसे जब मतलब ऐसे गैर बयान दे सकता है, इस तरीके से कैसे वो ऑर्डर दे सकता है, तो इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सरकार इसके ऊपर आई नहीं है, 3 घंटे तक बात करते रहे। कमिश्नर को भी मीटिंग में बुला लिया था, डीसी साहब थे, एसपी साहब भी थे, लेकिन 3 घंटे सिर्फ टाइम पास किया, घुमा फिरा के बात करते रहे। बीच में जाके कई बार सरकार से भी ऊपर जाके इन्होंने बात की। और जो किसान सदस्य है वो आ रहे हैं सारे, मीटिंग खत्म हो गई, मीडिया के साथियों से बात कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हमारे साथ से। देखा कि आपने कि आज भी जो दोबारा फिर जो मीटिंग्स है वो बेनतीजा रही, इसके अलावा और भी जो है सभी निकल रहे हैं, राकेश चकैत, गुरुराम सिंह चढ़ुनी, लेकिन आज फिर ये तस्वीरें बेनतीजा। जी हाँ, आज फिर 2 से 3 घंटे का जो समय लगा वो बेनतीजा रहा, जो मीटिंग है वो व्यर्थ गई। किसान अपना आंदोलन किस प्रकार से जो है मजबूत रखते हैं, किस प्रकार से मजबूत करते हैं, तो बातचीत करना चाहेंगे। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा, इन तस्वीरों का आप ये आहिस्ता आहिस्ता, तो ये देखिए व्यवस्था बनाते हुए जो सभी जो है एक व्यवस्था बनाते हुए लाइव तस्वीरों में एक बार बातचीत करना चाहूँगा कि जो वो नेता बाहर निकले उन्होंने बताया कि आज की जो मीटिंग है वो बेनतीजा रही। इस टाइम गुरनाम सिंह चढ़ुनी को स्टेज पर जो है ले जा रहे हैं। तो अभी सरकार ने गल करते सी, अद्धे अद्धे घंटे बाद जाके ते सरकार ने गल करते सी, सरकार सहमति बन पाई थी, किसी बात पर सहमति हुई है? कोई सहमति किसी गल ते भी सहमति सर साहब कह रहे हैं, सरकार कह की रही है जी, सरकार जड़ी आ सरकार की नीति ते नियत किसानों के प्रति, किसान अंदोलन के प्रति बहुत दुष्ट है, बल्कि किसानों के प्रति अंदर भी नहीं। तिना चो कोई भी मांग मनी है? तिना चो कोई प्रशासन जो ओ ही नहीं मनेगी
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਿੱਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ देख सकते हैं कि आपको बताना चाहेंगे कि जो मीटिंग है कहीं ना कहीं वो जो है बेनतीजा रही जैसा कि राकेश चकायत अभी स्टेज की ओर गए हैं और सिरसा भी यहां पहुंचे हैं तो जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि देखिए प्यार से जो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था तो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो SDM है उनको यह सस्पेंड कर दिया जाएगा लोगों की संतुष्टि कहीं ना कहीं जनता की संतुष्टि होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेनतीजा कल भी बेनतीजा और आज भी बेनतीजा जी बोलेंगे बताइएगा हाँ जी सर बताइए क्या रहा देखो सर अब मीटिंग हुई है क्या उसमें रहा क्या नहीं रहा हमारी तो लगातार यही डिमांड रही है ये इकट्ठ हुआ है कल भी ये हुआ था कि जो IOC ना IDO जो ये मुख्यमंत्री का पाला हुआ कुछ भी आप समझ लो इसको बर्खास्त करना चाहते हैं हम और जो रहा बर्खास्त नहीं किया उनको हाँ जी अभी तक नहीं किया उनका तबादला कहीं और कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे माहौल सरगर्म देखकर इन्होंने SDO का तबादला कर दिया गया है ठीक है तो जो हमारे किसान साथी सुशील काजल जी शहीद हुए हैं उनको उनके बच्चे हैं जो उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए का मुआवजा और जो साथी शहीद घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपये का जो मुआवजा वो देखिए यहाँ किसानों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है लेकिन देख सकते हैं कि जो लीडर बाहर आए हैं जो बेनतीजा रही है आज की ये मीटिंग और अभी जो वॉलेंटियर्स हैं वो एक सुरक्षा का घेरा बनाते हुए कि जो लीडर्स हैं उनको आगे ले जाया जा सके क्योंकि पंडाल में वो लीडर जाएंगे पंडाल में जो है वो लीडर जाएंगे तो आप बने रहिएगा और डायरेक्ट जो है पंडाल में उनको लेकर के जाएंगे कि किस तरीके से जो है आज रिजल्ट रहे लेकिन बताया जा रहा है कि सारी की सारी जो मीटिंग है वो बेनतीजा रही कोई परिणाम जो है उसका नहीं निकला कल भी जो है तो उसे 3 घंटे का टाइम वेस्ट किया गया आज भी टाइम वेस्ट किया गया किसान अब अपने आंदोलन को किस प्रकार से जो है मजबूत बनाएगा ये देखना होगा बने रहिएगा लाइव तस्वीरों में और जुड़े रहिएगा हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ कि किसानों के ऊपर भी जो है ड्रोन के द्वारा यहाँ नज़र रखी जा रही है पल पल की जो है हर जगह की जो है यहाँ कोशिश की जा रही है कि फोटोज जो है ली जाएं और वीडियोस जो है यहाँ तैयार की जा रही है अभी कुछ और किसान नेता जो है हमारे उनसे बातचीत जो है करना चाहेंगे देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो नेता है वो आ चुके हैं और देख सकते हैं उनको यहाँ निकालने की चल भाई चल चल अरे निकलने ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਉਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 2 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ 2-3 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ CM
साहब नाल गल कर लीए, सरकार नाल गल करिए, दो बारी उन्होंने सरकार नाल गल की, फिर कमिश्नर साहब आ गए, कमिश्नर साहब नाल गल शुरू हुई, इस करके 3 घंटे मिले। सर पहली मांग ते ही डिस्कस होया, वैसे सहमत सी अधिकारी सहमत सी थोड़े नाल, वैसे मंगा नूं लैके नहीं जी सहमत होते पर मंगा दोबारा नहीं नहीं उन्होंने सरकार दे नाल गल करनी। चुड़ैनी साहब अगली रणनीति की है जी, हुण अगली रणनीति की है जी? अगली रणनीति है भी जिस तरह अंदोलन चल रहा है इसे तरह चलेगा, तो अगला जिहड़ा इदू अगे वधाउण दा है उह सारे दी अपने मीटिंग करके सारे हरियाणे वालों की संयुक्त मोर्चे की कोई नवा फैसला जो लेना होगा तो लेना। वो हमें सुनाओगे अजे वेट करोगे? अजे नहीं सुना, अजे तो आप सारे इकट्ठे थोड़ा ही हुए हैं, मीटिंग तो बाद ही सुनाया जाएगा ना, अजे तो अपना जिस तरह अंदर चल रहा है उस तरह चले मोर्चा है, इसे तरह हम पक्का चलता रहेगा, इसे तरह चलेगा। सरकार के प्रति कितना आज उभर रहा है, कितना उनके अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है। कल भी बातचीत हुई थी, उसके एक दिन पहले भी बातचीत हुई थी और आज भी 3 घंटे तक बातचीत हुई है। और 3 घंटे तक बातचीत होने के बाद हमारे वही 3 पॉइंट थे जो पहले आपको बताए गए, वही 3 पॉइंट थे। एक, दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन जो SDM है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग, घायलों का मुआवजा, टूटी हुई गाड़ियों का मुआवजा। और तीसरा, जो भाई की डेथ हुई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। ये हमारी 3 मांगे थी। पहली मांग जो है अभी वही 3 दिन से उसी पे पेच फंसा हुआ और आज भी 3 घंटे की मीटिंग 3 राउंड में हुई। वो 2 बार उन्होंने सरकार से बात की और गवर्नर साहब जो है वो कमिश्नर साहब बीच में आए, लेकिन बात वहीं की वहीं है, एक कदम आगे नहीं सरके। सरकार और प्रशासन दोनों अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं, ना वो पर्चा दर्ज करने के लिए सहमत हुए ना सस्पेंड करने के लिए सहमत हुए। और ये सारा कुछ ना करने के बाद हमने जो फैसला लिया है वो जैसे हमारा घेराव चल रहा है ऐसा हमारा घेराव अभी चलता रहेगा। और आगे इस पे क्या करना है, इसको आगे इसमें क्या हमने कदम रखना है, वो सारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग और हरियाणा के जो बाकी संगठन है उस सब की मीटिंग बुला के अगला फैसला लिया जाएगा कि अगला हमने क्या करना है। और सरकार को हम प्रशासन को साफ तौर पे ये बता के आए हैं, क्योंकि हमें आज उम्मीद थी हमें बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कुछ 2 कदम आगे सरकार बढ़ेगी, लेकिन आगे जाके कुछ निकला नहीं है। तो अब हम उनको साफ तौर पे ये कह के आए हैं कि अगर आपका मन हो जाए, अगर सरकार आपको कह दे कि मुकदमा दर्ज करना और सस्पेंड करना है तो बातचीत के लिए भैया बुला लेना, और अगर ना माने तो फिर बातचीत के लिए बुलाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की हकदर्मी पे सरकार अड़ी हुई है और यहाँ तक हमारा फैसला है। सभी लोगों ने यहाँ पे बने रहना है और जितने भाई भी यहाँ पे ज्यादा हाजिरी रखेंगे उतना दबाव सरकार के ऊपर बना रहेगा। बस यहीं तक की बात अभी तक तो हुई थी और मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा करता हूँ, दूसरे अधिकारियों को टाइम देंगे। मैं बेनती करूंगा चौधरी राकेश टिकैत जी वो भी आए और आपके साथ अपने विचार रखे। चौधरी राकेश टिकैत जी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, सभी पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ के समस्त अधिकारी, यहाँ का ये लगता है प्रशासन का और सरकार का कि दिल्ली से आंदोलन हट के करनाल में हो जाए, अपने जितने भी लोग गए थे वहां पे मीटिंग में पिछले कई दिन से जो दौर चल रहा बातचीत का, सरकार
उस एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है जिसकी वीडियो पूरे देश में चली। हमने कहा कि उसको सस्पेंड कर दो, किसमिस कर दो, आपके बस का और नहीं है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो। इंक्वायरी किस चीज की? इंक्वायरी तो वीडियो है, इंक्वायरी सब देश ने सुनी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बयान उस पर आए हैं, आपके गवर्नर के बयान उसके ऊपर आए हैं, पूरे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें छपी है। इंक्वायरी किस चीज की? यह कि सरकार का क्या रवैया है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन ये यहां पे भी चलेगा, आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे भी रहेगा। जिम्मेदारी ये रहेगी कि यहां पे भी आप लोगों को रहना है और जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां पे भी आपको रहना है। यह स्थान जहां है आंदोलन यही चलता रहेगा। हमारा किसी पब्लिक के आदमी को, किसी दुकानदार को, जो यहां पे मिनी सचिवालय में जो लोग काम करवाने आते हैं उनका कोई अधिकारी यहां से जाए उसको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चाहते हैं कि यहां पे बैठे और पब्लिक में ये मैसेज दे कि हम पब्लिक को रोक रहे हैं। हमने एक रोड उनके लिए छोड़ रखी है, अपना अधिकारी आए, जिन पब्लिक को भी यहां पे आना है वो आए, अपने काम करवाएं, बगैर सचिवालय के काम नहीं होते जनता के, इनको काम अपने आप नहीं करना। और कहेंगे कि किसान संगठन बैठा हुआ था यहां पे, सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहां पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारे बहुत नजदीक है, यहां की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहां बेचते हैं, यहां से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहां के पंजाब के लोगों को भी यहां पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे, और यहां के लोग भी मजबूत हैं, वे भी रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग भी यहां पे आते जाते रहेंगे। यहां पे शांतिपूर्ण व्यवस्था हमको बनाकर रखनी है। जो हमारा नौजवान साथी जिसके ज्यादा क्रांतिकारी विचार हैं वो बराए मेहरबानी करके अपना शांति बनाए रखें। प्रशासन सरकारें चाहती हैं कि आंदोलन हिंसक हो, और जब भी आंदोलन हिंसक होगा वो आंदोलन खत्म होता है। तो हमको शांति बनाए रखना, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे ये हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका, ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है, वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे, अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे। तो यही बात हुई कि प्रशासन कोई बातचीत मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि इंक्वायरी करवा देंगे हम, इसकी जो जांच होगी वो करवा देंगे, उस पर अभी हमारी कोई सहमति नहीं है। हमारी सहमति है कि पर्चा दर्ज हो, वो भी अपने घर पर बैठे, और हमारे किसानों पे भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वे भी अपने घर पे ही हैं, तो मुकदमे दर्ज पहले उन पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए, उस अधिकारी पे भी हो जाए, और फिर उसकी जांच करवा लो। हमें पता है कि जांच में क्या होगा, जांच में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो भी जानते हैं हम।
लेकिन जिस हिसाब से किसान मान सम्मान के साथ में यहाँ पे आया है, जिस हिसाब से कल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे किसान हमारा आया, तो उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने इस आंदोलन को बनाए रखें। इसमें लोग आते रहें, जाते रहें, जो हमारे भंडारे चलते रहे, वे बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो दुकान है उनका भी ध्यान रखें, जो लोग यहाँ पाए हम उनको भी ध्यान रखें, और जो भी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी, अगली कोई भी कॉल देनी होगी तो संयुक्त मोर्चा उसमें तय करके वो कॉल दे देगा। योगेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं, ये भी अपने दो बात अपनी कहेंगे, और आप सब लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, अपना शांति बनाए रखेंगे। और योगेंद्र यादव, मैं एक मिनट वास्ते प्रधान जी गुरनाम सिंह चुनी, एक मिनट वास्ते आपसे कोई ना विचार साझा कर रहे हैं। गुरनाम सिंह जी चुनी, आज से नहीं, गुरुद्वारे में सेवा की जो प्रथा है वो सदियों से चल रही है। हमारा कहीं भी धरना हो, गुरुद्वारे वाले लंगर बनाते हैं, हमारे पास पहुंचाते हैं। हम उनकी जितनी तारीफ कर पाए कम है। रात भी यहां पे बैठे थे और सामने जो गुरुद्वारा है उन्होंने लंगर बना के पचाया, सवेरे चाय पचाई, बिस्कुट पचाए और पता नहीं क्या क्या पचाए। बहुत सेवा कर रहे हैं हम, अति भारी है, लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी, परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्या आपकी कोई बात हुई थी, वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता। लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारों के कोई ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? सवेरे नाडा साहब से लंगर यहां पे आया, वहां के जो हेड हैं वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको, आपके बहुत धन्यवाद, आभारी, आप कहां नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है, मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी या कोई मित्रता, मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, मेरा साफ तौर पे कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन ले, वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उनसे कोई बात की है, ना मेरी उनसे बात हुई है, वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं, अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं। एक अपील, ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे, एक बात। दूसरा बात, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूँगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं, हरियाणा के साथ लगते, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के, ज़्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल, जो इधर वाले लोग हैं, जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं, जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें, ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बने। सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साडे विच मैं योगेंद्र यादव जी को बेनती करूंगा, हमारे सीनियर लीडर है संयुक्त किसान मोर्चा के, वो भी आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। गर्मी ज्यादा हो गई सारे किसान साथियों, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीन घंटे सरकार से बात करने, सरकार ने तीन बात भी नहीं कही जो कि हमारे वहां हम बड़ी उम्मीद से देखिए। गुरनाम सिंह चुढ़ुनी भी पहुंच चुके हैं, राकेश टिकैत भी जो पहुंच चुके हैं, और एक अनाउंसमेंट जो है माइक के द्वारा यहां कर दी गई है कि सरकार द्वारा कोई भी मांग जो है नहीं मानी गई है। तो इसका अर्थ बनता है कि जो है लगातार ये रहने वाला है, और मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ बनी हुई है, और एक सुरक्षा का जो चक्र है वो यहाँ बनाया गया है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था जो है यहाँ RPF CRPF की जो टीमें हैं वो लगातार योग्य जो बनी हुई है। लेकिन एक बात कही गई है कि एक सड़क को जो है खाली छोड़ा जाएगा, जो लोग हैं वो अपने काम करवाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और उनको जो है तंग ना करें, और एक तरफ जो है धरना 24 घंटे के लिए लगातार जो है बना रहेगा। सभी को जो है यहाँ एक संदेश दिया गया है कि आप 24 घंटे के लिए लगातार यहाँ पहुँचें और इस धरने को जो है सफल बनाएं। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया, बने रहें हमारे साथ। कि आपको दिखाना चाहेंगे सचिवालय के बाहर जो है पुलिस का पूरा जो बना हुआ है, कि हार्ड सर्कल हार्ड रिंग जो है बना लिया गया है कि किसी प्रकार से किसान अंदर ना जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसानों ने ये कहा है कि वो किसी भी प्रकार से लोगों को असुविधा का जो है सामना नहीं करने देंगे, क्योंकि दो सड़कें हैं आने की और एक जाने की, एक सड़क को खाली छोड़ दिया गया है कि जो कार्रवाई है वो जो कि जो चलती रहे। लेकिन जो आंदोलन है वो आज सिंह बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तरह जो है करनाल में अपने पैर जो है जमा चुका है। अब देखना होगा कि लगातार यहाँ कितना किसान जो है बैठा रहता है, 24 घंटे में अनिश्चितकालीन धरना लगातार ये चलता रहेगा। बने रहिएगा हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का शेयर कीजिए। जो किसान नेता है वो संबोधित करते हुए कि आप समन्वय बना करके रखें, किसी प्रकार की कोई परेशानी का जो है सामना आपको ना करना पड़े। बिल्कुल राइट साइड में अभी यही जो नेता है, कुछ नेता वो भी रहेंगे, किसान जो लोग हैं वो यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पियेंगे। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया से, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लंबी बात मुझे नहीं करनी है, हम यहाँ पे आ गए। पुलिस ने चारों तरफ से सचिवालय को अपने कब्जे में ले लिया है, तीन से चार जो है पट्टियाँ बन चुकी हैं, RPF CRPF और पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो यहां आपको नज़र आती हुई, और ये आंदोलन जो है अब लंबा चलने वाला है। अनिश्चितकालीन के लिए इन लोगों ने जो है सचिवालय का घेराव किया है। लेकिन एक ख़ास बात ये कही गई है कि लोगों को भी किसी प्रकार की कोई जो है परेशानी यहाँ नहीं हो, उसके लिए लंगर का, चाय का, पानी का जो प्रबंध है वो लगातार जो है वो यहाँ चल रहा है, क्योंकि चार से पांच लंगर यहाँ चल रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, और देखिए साथ साथ में केलों का जो प्रसाद है वो भी आपको नज़र आएगा, साथ साथ में यहाँ माल पूड़े भी जो है लोगों को खिलाए जा रहे हैं, एक प्रसाद के तौर पर जो है बांटा जा रहा है। उस तरफ मैं आपको दिखाऊं केलों की गाड़ी है, ये सिंह बॉर्डर की याद दिलवाने लगा है, टिकरी बॉर्डर की याद दिलवाने लगा है, गाजीपुर बॉर्डर की जो है यादें दिलवाने लगा है, और देसी घी के माल पूड़े इधर करो, देसी घी के माल पूड़े देखिए सभी को जो है प्रसाद के तौर पर किस प्रकार से लोग ये सुविधा करते हैं वो इनसे जानना चाहेंगे, लोगों की सेवा जो चल रही है उसके बारे में बताएंगे। मालपुड़े जी, लोग बहुत तंग हैं यहाँ पर आकर, प्रशासन ने बहुत तंग किए हुए हैं, इसलिए उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो उसमें हम थोड़ा मोटा सहयोग दे रहे हैं। हाँ जी, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग बूंद बूंद से भरता है सागर, इसी को देखते हुए प्रसाद के तौर पर मालपुड़े, केले, लंगर जो है, अरे उड़ाना जाए यार,
भरपूर मात्रा में जो है यहाँ गाड़ियों में भरकर चल रहा है। देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पूरी की पूरी भरी हुई है और लगातार उस तरफ मैं दिखाऊँ तो लंगर चल रहा है। ये तस्वीरें हैं और कुछ ही देर के बाद ये जो सड़क है ये एक घर के तौर पर जो है परिवर्तित हो जाएगी। इस सड़क के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है पंडाल लगेगा, नीचे दरियां बिछेगी, सोनों की सुविधा होगी। इस समय चाय का आनंद जो है सभी किसान ले रहे हैं। ये बैकफुट की तस्वीरें होती हैं जो सेवा करती हैं। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया की ओर से। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर कीजिएगा।